सुबह की 6 बज गई है। शहर में शांति है, काम करने वाले अपने अपने काम पर गए हैं, प्रकृति भी अपने काम पर लग गई है। सूर्य निकल आया है, हवा चल रही है, चिड़िया उड़ने लगी है, उड़ उड़ कर अपने खाने की व्यवस्था करने लगी है। और आज मैं थोड़ी लेट हो गई। कभी कभी लेट होना भी लेट होना नहीं होता है, क्योंकि हम जिंदगी में कभी भी लेट नहीं होते हैं। बस यह होता है कि हमें लगता है कि हम लेट हो गए हैं, बट हमारी ज़िंदगी को हम नहीं चला रहे होते हैं। ज़िंदगी अपने आप अपने रास्ते फिगर आउट कर रही होती है। हमें बस लगता है कि हम ये काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में हम कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं। सब कुछ ज़िंदगी कर रही होती है। जो हमारे लिए सही है, जो होना होता है, वो सब होता रहता है। अभी माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं जो आपको बाद में बताया जाएगा। आज 2 घंटे लेट हो गई है, तो आज 2 घंटे जल्दी चलना पड़ेगा हमें। तो जो मॉर्निंग के रूटीन होते थे, साफ सफाई वगैरह, वो आज मैं नहीं कर रही। वो आज मम्मी ने मेरे उठने से पहले ही कर दी थी। तो मैं सीधा फ्रेश एंड अप होने के बाद, मुंह वगैरह धोने के बाद पढ़ने बैठ गई, क्योंकि टाइम का क्या है, टाइम मैनेज करना हमारे हाथ में होता है। और कभी कभी हम लेट हो जाते हैं, लेकिन पढ़ाई को टाइम देना उतना ही ज़रूरी है। तो मैं बुक्स लेके बैठ गई, लेकिन अभी मेरा मन भी हो रहा है कि मैं बाहर जाऊँ, थोड़ी देर के लिए बाहर बैठूँ, क्योंकि मेरा मॉर्निंग का सदा का क्या रहता है कि मैं थोड़ी देर के लिए बाहर बैठूँ, बाहर आराम से पेड़ पौधों को देखूँ और चाय पीऊँ। लेकिन आज वो सब स्किप हो गया है, तो कल से मेरी यही वो रहेगी कि मैं जल्दी उठूँ और नेचर के साथ अपना वही टाइम दोबारा स्पेंड करूँ। आज 2 घंटे लेट हूँ, तो फिर आज पढ़ाई पे ही ज़्यादा जोर दिया जाएगा। बट अभी मन में ख्याल आया कि थोड़ी देर के लिए आज पार्क में चलते हैं, क्योंकि सुबह टाइम स्पेंड नहीं कर पाए थे, तो पार्क में चलेंगे अभी ये सेशन कंप्लीट करने के बाद। तो गाइज, आप देख सकते हैं मैं आ गई पार्क में। मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे झूला झूलूँगी एंड उसके बाद फिर घर चलेंगे। तो फिर वहाँ से आने के बाद मैंने हाथ मुँह धोया, कुछ खाना पीना किया एंड अब मैं करने बैठ गई हूँ मैथ्स का। और ये मैथ्स का करते करते हम करेंगे कुछ बातें। टाइम ट्रैवलिंग का कंसेप्ट हम अपनी लाइफ में कितनी बार सुनते हैं, लेकिन अभी हम अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि बीते हुए टाइम को भूल के आगे बढ़ना ही हमारी सबसे बड़ी जीत होती है, हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी जीत होती है। नेचर ने हम सभी को एक पावर दी होती है, तो वो हमारे ऊपर होता है कि हम उस पावर का किस तरह से यूज़ करते हैं। कई लोग करते हैं बेफालतू के कमेंट करके, तो कई करते हैं किसी और तरीके में। और जैसे हम अपनी पावर का या फिर कुछ भी एक्शन लेते हैं, वो हमारी पर्सनालिटी को डिफाइन करता है। तो ये आपके हाथ में होता है कि आप अपनी पर्सनालिटी को किस तरीके से, किस रूप में यूज़ कर रहे होते हैं। और ये पावर हमारे पास कभी हर टाइम के लिए नहीं होती, ये भी छीन ली जाती है। तो बस यही कहना चाहूँगी मैं, चलो छोड़ो इस बात को। तो अभी मैं कर रही हूँ मैथ्स का। जैसा कि आपको पता है, मेरे एग्ज़ाम्स हैं, जो कि मैं हर वीडियो में बता देती हूँ। और वो एग्ज़ाम्स का बिल्कुल मन में ऐसे हो रखा है कि एग्ज़ाम्स है, ना तो सही से पढ़ा जा रहा है और ना सही से वही चीज़ हो रही है, रेस्ट हो रहा है, मतलब बिल्कुल ऐसे ही रह रहा है कि अब क्या करें। लेकिन कोशिश पूरी जारी है। और अभी पढ़ने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट ले रही हूँ, और आप देख सकते हैं बिल्कुल हवा हवाई रूम हो रहा है, सभी खिड़कियाँ खोल के, सही धूप आई हुई है, आज बिल्कुल सनी डे है। तो इसलिए मैं अपने नोट्स लेके मैथ्स के यहाँ पे बैठ गई हूँ। एक्चुअली मेरा कॉलेज का मैथ्स करने का मन नहीं कर रहा है, मेरा ये SSC की प्रिपरेशन करने का ही मन कर रहा है, बट अब करना पड़ेगा क्योंकि एग्ज़ाम्स हैं। तो अभी मैं वहाँ पे बैठ के थोड़ी देर के लिए पढ़ी, धूप में आराम से नोट्स रिवाइज किए मैंने, एंड उसके बाद फिर मैंने बिल्कुल बाल बांध के आराम से बैठ गई। मैं अब कर रही हूँ मैं मैथ्स का ही कर रही हूँ, कॉलेज के मैथ्स का कर रही हूँ, लेकिन अभी फिर थोड़े टाइम के बाद कुछ और करूँगी। तो करते करते एक बात बताइए आप सभी, मैंने कल कम्युनिटी पोस्ट डाली थी कि Q&A वीडियो किस किस को चाहिए होती है। तो आप में से बताया आप लोगों ने कि हमें चाहिए है, हाँ चाहिए है। तो Q&A वीडियो आप क्या सोचते हो किस टाइम आना चाहिए? तो Q&A वीडियो आएगी 5K पर, तो जल्दी से 5K करवाओ और फिर आएगी Q&A वीडियो। तो इसको आप पॉजिटिव तरीके से भी ले सकते हो और नेगेटिव तरीके से भी ले सकते हो। तो अभी मैं बुक्स लेके जाऊंगी बाहर, आराम से धूप में बैठ के पढ़ाई करूंगी, क्योंकि अंदर थोड़ी थोड़ी ठंड हो रही थी। तो मैं यहाँ पे आके बिल्कुल रिलैक्स तरीके से बैठ गई हूँ और अब मैं करूँगी पढ़ाई। तो अब मैं इस वीडियो का करती हूँ एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड हर हर महादेव।